वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मैं डॉक्टर मोहम्मद पाशा खान फ्रॉम शिफा क्लिनिक हैदरनगर। ये मेरे एक पेशेंट है रफिया बेगम, जो संगारेड्डी से आए हुए हैं, जिनका जो है शुगर 2021 में 600 से 650 तक रहता था। ये इनकी पुरानी रिपोर्ट्स है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल से उनका इंसुलिन वगैरह भी, 2 टाइम इंसुलिन लेते थे पहले, इंसुलिन भी रुक गया और जो है टैबलेट वगैरह भी कुछ भी इस्तेमाल नहीं करते। अभी आपके सामने हम जो है लाइव टेस्ट बताएंगे। देखिए आप, ये 152 शुगर है इनकी। अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल से इंसुलिन और टैबलेट वगैरह कुछ भी इस्तेमाल नहीं करते। बात करें, बोलिए, उधर देखिए। अस्सलाम वालेकुम। जोर से बोलना, जोर से, आराम से बोलो, जोर से बोलिए। क्या तकलीफ? हाँ। जब आए खुद आप? बहुत तकलीफ थी, कोई डॉक्टर साहब नहीं पकड़े जी। इनके पास कम है, शुगर नहीं है, कुछ भी नहीं है, खून भी नहीं था, तो जब चढ़ाए डॉक्टर साहब। दो साल से था शुगर जी। कम हो गया, गोली नहीं है, कुछ भी नहीं है, दवाएं कुछ भी नहीं खा रही। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। ये हमारे वालदा है रफिया बेगम, 2 साल पहले लाए जब 2021 में, 2 पॉइंट खून था और शुगर लेवल उनका 650 था। अभी अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल के बाद मोहम्मद पाशा खान साहब के पास लाने के बाद ट्रीटमेंट माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा सा हुआ है। अभी गोली नहीं है और कुछ भी नहीं है। अभी शुगर लेवल अभी लाइफ टाइम टेस्ट करे भी 150 है। अभी उनका ब्लड लेवल भी अच्छा है, 12 पॉइंट है। अभी स्टार्टिंग 2 साल पहले 2 पॉइंट था, अभी 12 पॉइंट है और अभी गोली नहीं है, सब नॉर्मल है। अभी 2 साल से इंसुलिन वगैरह, 2 साल से इंसुलिन वगैरह कुछ भी नहीं ले रहे। अभी पहले लेते थे 2 साल पहले, अभी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं है, अभी सब नॉर्मल है। अभी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मैं डॉक्टर मोहम्मद पाशा खान फ्रॉम शिफा क्लिनिक हैदरनगर। ये मेरे एक पेशेंट है वेंकट राव साहब, जिसका जो है पैर का जख्म हो गया था, डायबिटिक फुट, जिसकी वजह से बहुत परेशान थे और दूसरे कई हॉस्पिटल गए जहाँ पर उनको कट करने के लिए बताया गया था। अभी आप देख सकते हैं इनका, ये जब आए खुद जो है प्रीवियस ये है और ट्रीटमेंट के बाद का जो है ये फ़ोटो है लेफ्ट साइड में। आप उनके पैर को भी देख सकते हैं। बात करिए। मेरा नाम वेंकट राव, मैं हैदरनगर निवासी हूँ। मैं इधर डायबिटीज के लिए मेरे को प्रॉब्लम था, बहुत हॉस्पिटल में गया, बहुत ट्रीटमेंट करवाया, इंग्लिश डॉक्टर, आयुर्वेदिक डॉक्टर का, होम्योपैथी डॉक्टर सब जाके करे तो भी कम नहीं हुआ। मेरे रिश्तेदार पूरा, तुम्हारा इमली कट हो जाता, ये कट हो जाता, तुम्हारे को अच्छा काले हो दवा। हॉस्पिटल गए तो कौन सा, बड़े बड़े कॉरपोरेट हॉस्पिटल गए तो भी उन लोग तुम्हारे को शुगर कम हुआ तो कम होता, नहीं तो नहीं कम होता बोल के डर आया, उंगली कट होता, उसके तुम्हारे को ब्लड सर्कुलेशन हो रहा नहीं हो रहा, ब्लड सर्कुलेशन अगर स्ट्रक हो है तो उंगली निकालने पड़ता, बोले बहुत लोग डरा है। मैं बहुत मिनिमम 70 से 100 तक अइंटमेंट, सुबह एक अइंटमेंट, शाम में एक अइंटमेंट, पट्टी लगा के मेरे को बहुत डर लग गया। एक बार मेरे को बुखार आया, हमारा गांव में रहते बस्ती में हॉस्पिटल आया, बुखार आया बोल के, वो तो पाँव को क्या हुआ बोल के डॉक्टर पूछा था, साहब मेरे को ऐसा डायबिटीज से टैबलेट्स ऐसा रिएक्शन हो गया बोल के बोला, मैं उसको कम करता हूँ बोल के बोला। बड़े बड़े डॉक्टर से भी नहीं हुआ साहब, आप कम करते हैं तो वो छोड़ दो, तुम्हारे को कम होना ना बस। उन्होंने शुगर टेस्ट नहीं करा, बीपी टेस्ट नहीं करा, कुछ भी टेस्ट नहीं करा, कौन सा तो भी दवा लेके आया, 1 महीने में ख़त्म हो जाता तुम्हारे को। अरे कौन सा गए तो पहले शुगर, पहले बीपी, पहले वो करो ये करो, 2 दिन के बाद स्किन, उसके ब्लड चेक करके, टेस्टिंग करके, क्या कुछ भी कम नहीं हुआ।
अगर ये दवाखाने में तीसरी दिन से थर्ड डे से मेरे को उसके ऊपर नया स्किन आ रहा था, नहीं तो शाम में सुबह उसको क्लीन करके आइंटमेंट का पट्टी लगा के बहुत दिमाग खराब हो जाते थे। काली वो साफ दिया सो जो दवा है वो जवा में मैं काली लगाए तो तीन दिन के बाद तीसरे दिन से ख़त्म हो गया। बहुत लोग वो डॉक्टर साहब के पास गया ना, तुम्हारा पाँव काट जाता उसको क्या मालूम, ऐसा नक हो जाओ, बड़े बड़े अमेरिका जाके पढ़ने के आए से डॉक्टर अभी बड़े बड़े कॉरपोरेट डॉक्टर से भी डरा है इनको, मेरे को अपहास किया लोग, वो जाके ट्रीटमेंट कर रहा तो मेरे को 1 वीक 10 डेज में ख़त्म हो गया। 1 वीक 10 डेज में ख़त्म हुआ बोल के मैं बहुत खुशी था। अमीरपेट से मैं आ रहा था, दूसरी आदमी गाड़ी लेके मेरे को वही पाँव को या उंगली को एक्सीडेंट करा, बहुत डर गया मैं, डर गया। तो वो डॉक्टर साहब के हुआ तो वो दवा दिया सा है ना वही लगा गए, वो कम होता बोला। मैं तीसरे दिन से बस ख़त्म बंद हो गया, एक्सपर्ट में कम हो गया। मैं उन्होंने मेरे को आए तो शुगर टेस्ट नहीं करा, बीपी टेस्ट में बोल दिया, शुगर टेस्ट चेयलेदु, बीपी टेस्ट चेयलेदु, खाली गायम चूसी मंदु इच्चिनाडु, దాని వల్ల తగ్గిపోయింది 100%. మా ఇప్పుడు డాక్టర్ సాప్ ఇచ్చినా నాకు ఒక బాటిల్ ఇచ్చిండు, అది నేను మా అంటే ఒక 10 సార్లు వాడి ఉంటా, ఇంకా మందంతా మిగిలిపోయింది. చాలామంది మా రిలేషన్కి ఇచ్చినా, ఏళ్ళు కట్ చేస్తాము కాళ్ళు కట్ చేస్తాము అన్న వాళ్ళకు కూడా చాలా తగ్గిపోయింది, గుడ్ రిజల్ట్ వచ్చింది, నాకు చాలా సంతోషమైంది, చాలామంది చెప్తున్నారు.